Hey everyone, welcome back to my channel and if you are new then hello, my name is Rupa and welcome to my channel. आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाली ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल. अगर आप अपनी शादी में खुद मेकअप करना चाहते हो देन यू कैन फॉलो दिस ट्यूटोरियल. सबसे पहले मैं अपने चेहरे पे लगा रही हूँ एस्ट्रिंजन लोशन एंड आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग मॉइस्चराइजर ऑन माय फेस एंड दिस मॉइस्चराइजर इज़ फ्रॉम न्यूट्रोजीना. फर्स्ट आई विल अप्लाई अ डार्कर शेड ऑफ कंसीलर एंड दिस वन इज बेसिकली एन ऑरेंज कलर. इसको अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से अपने डार्क स्पॉट के ऊपर सेट कर दूंगी ताकि मेरे चेहरे के डार्क स्पॉट्स ना दिखे. और उसके बाद मैं थोड़ा सा लाइटर शेड का कंसीलर यूज़ करूँगी एंड दिस वन इज़ फ्रॉम मेबिलिन. कंसीलर लगाना जब हो जाएगा तो उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से दोनों कंसीलर को अच्छे से अपने चेहरे पर सेट कर दूंगी और उसके बाद मैं लैक्मे का फाउंडेशन अपने चेहरे पर लगाऊंगी. टाइम टू ड्रॉ द आईज एंड आईब्रोज. उसके लिए सबसे पहले आईब्रोज के चारों ओर और आईलिट के ऊपर मैं कंसीलर लगाऊंगी. दिस वन इज वन शेड लाइटर. मेरे जो स्किन टोन है उससे एक शेड लाइटर है और इसको मैं सेट करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से. कंसीलर मेल्ट ना हो जाए इसके लिए ये सेट करने के बाद कंसीलर को मैं लूज पाउडर लूंगी और अपने आईलिट के ऊपर और आईब्रोज के चारों ओर लगा दूंगी एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट ड्रॉइंग माई आईब्रोज. ब्राइडल मेकअप है तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े ब्राइट कलर का यूज़ किया है एंड ऑल्सो आई हैव यूज्ड रेड कलर क्योंकि मैंने रेड कलर का बनारसी पहना है. सो आई मेकअप जो है मैंने एकदम ईजी आई मेकअप किया है. ब्राबोन के ऊपर मैंने गोल्डन कलर लगाया है और आईलिट के ऊपर ब्राउन कलर एंड रेड कलर को यूज़ किया है. मेरे आईज़ हुडेड है तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे अपना जो आई मेकअप है वो किया है. अगर आपके आईज़ भी मेरी तरह हुडेड है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस ट्रिक ऑन योर सेल्फ. After applying all the colors, now it's time to mix the colors. धीरे धीरे मैं तीनों कलर को अच्छे से मिक्स कर दूंगी एंड इट्स टाइम टू अप्लाई द आई लाइनर. आज मैं विंग्ड लाइन क्रिएट कर रही हूँ अपने आई लाइनर से ताकि मेरे आईज जो है वो थोड़े बड़े बड़े लगे. इसीलिए मैंने यहाँ पे विंग्ड लाइन क्रिएट किया है. आई लाइनर का लगाना जब हो जाएगा उसके बाद मैं अपने आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर लूँगी और वाटर लाइन के नीचे धीरे धीरे कलर को स्प्रेड कर दूंगी और उसके बाद मैं काजल का अप्लाई करूंगी. इट्स टाइम टू एड मोर शाइन टू माई आईज. सो इसीलिए मैं बेकिंग हाईलाइटर का यूज़ कर रही हूँ ब्राबोन के ऊपर अपने आईब्रो के आर्च एरिया में और अपने आईलिट के ऊपर और उसके बाद मैंने मिक्सअप कर दिया ब्रश की मदद से. आफ्टर दैट आई एम एडिंग मोर शाइन टू माई फेस और इसीलिए अपने चेहरे को मैं हाईलाइट कर रही हूँ. एग्जैक्टली जिस जिस पोजिशन पर मैं लगा रही हूँ लाइट शेड का कंसीलर आपको भी उसी पोजिशन पर लगाना है अपने चेहरे पर इनकेस यू वॉन्ट टू हाईलाइट योर फेस. और उसके बाद मैं फेस को कॉन्ट्योर कर रही हूँ डार्कर शेड का एक कंसीलर लेके. ये ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन कलर. उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं सारे कलर्स को मिक्सअप कर दिया मैंने और उसके बाद आई एम अप्लाइंग रोज़ पाउडर क्योंकि पहले मैंने पाउडर नहीं लगाया था. टाइम दिया था अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए एंड फाइनली आई हैव अप्लाइड ब्लश एंड बेकिंग हाईलाइटर एंड माई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन. तो चेहरे पे जो वाइट कलर से डिज़ाइन है वो मैंने खुद किया है
तो उसको करने के बाद ये एंड में मैंने किया, और उसको करने के बाद लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मेरा जो ब्राइडल लुक है वो कंप्लीट हो गया है। होप यू हैव एंजॉयड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।